हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो मैम की जो हेयर हैं बहुत ही ज़्यादा कलर्ड हेयर हैं और बहुत डैमेज और ड्राई हेयर हैं। तो ऐसे बालों पे स्मूथनिंग कैसे करें? बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, बालों को जला देते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो अभी हम जो करेंगे शॉशकॉफ की स्मूथनिंग करेंगे। आप देख सकते हैं गीले बालों पर क्रीम को लगाना है, उसके बाद क्रीम लगा के 15 से 20 मिनट तक आपको छोड़ देना है। और जहाँ कलर्ड हेयर हैं, बहुत ज़्यादा लाइट हेयर होते हैं कलर्ड, तो वहाँ पानी मार देना है, स्प्रे बोतल लेनी है, गीले कर देना है, ठीक है, जिससे कि बाल ड्राई नहीं हो और डैमेज नहीं हो। ओके, फिर 10 से 15 मिनट के बाद आपको चेक करना है बोन ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है, चेक करते रहना है। अगर हो जाता है तो आपको वॉश कर देना है तुरंत, और नहीं होता है तो आपको थोड़ा देर और मतलब रुकना है, 15 से 20 मिनट तक देखना है। उसके बाद ड्रायर प्रेसिंग करने के बाद न्यूट्रलाइजर कर देना है। न्यूट्रलाइजर करने के बाद आप देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। आप ही देख ही सकते हैं आप गाइस कैसा रिजल्ट आया है, बहुत ही अच्छा आया है और बिल्कुल भी बाल डैमेज नहीं हुए हैं, ड्राई नहीं हुए हैं। आप अगर कलर्ड हेयर हैं तो कैरेटीन साथ में करें, कैरेटीन अगर नहीं करेंगे तो बाल थोड़े रफ रहेंगे, कैरेटीन ज़रूर करनी है बालों में अगर कलर्ड हेयर हैं तो। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके बाय।